नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के गांधी पुस्तकालय सिकंदरपुर घाट में उपस्थित हैं और इस जगह से हम उपस्थित हैं वहाँ पर संसार भारती लोक प्रसारण दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर के मुख्य द्वार पर हम उपस्थित हैं। और यहाँ जिस खबर को हम दिखाने जा रहे हैं, यह खबर देखने के बाद आपको हैरानी होगी कि ऐसी भी जगह पर इस तरह की घटनाएं घट सकती है। और घटना क्या है, मैं इसको बारीकी से बताने जा रहा हूं। अभी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आपने तो शराबबंदी करने के लिए शिक्षा विभाग के सारे टीचरों को भी, शिक्षकों को भी लगा दिया कि भैया शराब कहीं बिक रहा है तो बताओ और कोई पी रहा है तो बताओ। लेकिन वो आपको बताए ना बताए, हम पत्रकार आपको ज़रूर बताएंगे कि शराब कहाँ लोग पीते हैं, कहाँ लोग फेंकते हैं और कहाँ लोग लाते हैं। जो जानकारी पत्रकारों के पास होती है वो पत्रकार आपको ज़रूर दिखाएंगे। जिस जगह पर हम हैं, ये प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र है और मुख्य इसी के गेट पर, इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसी के सामने साइड में गांधी पुस्तकालय है। थोड़ा जूम करके दिखाइए, गांधी पुस्तकालय है। और जिला अधिकारी महोदय DM साहब मुजफ्फरपुर को मैं कहूँगा कि बड़ी गौर से आप भी देखिएगा। देखने के बाद शायद आपको, कैमरामैन थोड़ा इधर कीजिए कैमरा, शायद आपको ये लगेगा कि जो पत्रकार खबर दिखा रहा तो दिखा क्यों रहा है। मुजफ्फरपुर SSP महोदय, यह देखिए, ये जो है इसमें दारू के अंश भी है इस बोतल में, देखिए। और एक ठो बोतल ये नहीं है, और हम आपको गिनती से दिखाएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन आप आ गए, जिला अधिकारी महोदय गौर से देखेंगे कि यहाँ पर शराब की बोतलें जो है, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ शराब की बोतलें, ये देखिए शराब की बोतलें हैं, ये मिट्टी में गाढ़ा हुआ है। और मैं आपको गिनती करके दिखा रहा हूँ कहाँ से है। और आगे आइए, ये देखिए, ये सब जो है यहाँ पर दारू के फर्स्ट क्लास सेवन किया जाता है। और ये गिलास है, ये सारे जो है, ये सब जो है, ये साबित करता है कि बिहार में विदेशी शराब की सप्लाई हो रही है और मुजफ्फरपुर शहर में हो रही है। और इसको हम खोज कर आपको इसलिए दिखा रहे हैं, हम चूंकि अब कोई पूछेगा आखिर पत्रकार यहाँ क्या करने आया था, तो हम लोग जो है आज गांधी जी के पुण्य तिथि पर आए हुए थे और यहाँ पर जब हमको शौच लगी, पेशाब लगी, तो हम यहाँ पेशाब करने आए और तब हमको दिखाई देने लगा ये शराब की जो विदेशी बोतलें हैं, अनगिनत जो विदेशी बोतल है, ये जो है अमेरिका से नहीं, हिंदुस्तान का सीन हम दिखा रहे हैं और हिंदुस्तान में भी बिहार का सीन दिखा रहे हैं और बिहार के अंदर भी जो है यह मुजफ्फरपुर का हम सीन दिखा रहे हैं। ये अनगिनत जो शराब की बोतलें हैं, अनगिनत विदेशी शराब की बोतलें हैं, यह देसी नहीं, विदेशी शराब की बोतलें हैं। लोग यह कहेगा कि क्यों चुन चुन कर दिखा रहा है, लेकिन चुन चुन कर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को मालूम होना चाहिए कि पत्रकार कितना संघर्ष करके और हम लोगों को खबरों को दिखाता है। या देखिए, शराब की अनगिनत बोतलें हैं, इस झाड़ियों में देखा जाए तो भरा हुआ नहीं है, शराब की बोतल एक भी भरा नहीं हुआ, लेकिन टोटल खाली बोतल है। और टोटल खाली बोतल हम आपको दिखा रहे हैं, यह साबित कर रहा है कि एरिया में शराब बिकता है, इसमें शराब का कुछ अंश भी है। ये देख लीजिए SSP महोदय मुजफ्फरपुर कि शराब का अंश है इस बोतल में। और इतना ही नहीं, इसको देखिए, ये दर्जनों दर्जनों जो शराब की बोतल हम आपको दिखा रहे हैं सब विदेशी शराब की बोतलें हैं। और विदेशी शराब की बोतलें जो है हमें दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे आँखों में रोशनी है। हो सकता है कि पुलिस विभाग के आँखों में रोशनी ना हो और उनको न दिखाई देता हो, फिर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कि देखिए आपके जो मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब की सप्लाई क्यों होती है, कहां से आती है। ये अनगिनत मैंने बोतल दिखाया, मुझे मालूम है कि इस खबर को दिखाने के लिए भी हमारे ऊपर एक FIR जो है ज़रूर होगा कि हम दिखा क्यों रहे हैं। और दिखानी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें समाज को स्वच्छ बनाना है, और समाज को स्वच्छ बनाना है। अनगिनत हम बोतल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो शराब की बोतलें हैं, अगर इन तमाम बोतलों को इकट्ठा किया जाए तो कम से कम सैकड़ों शराब की, विदेशी शराब की बोतलें हैं और यहाँ उपस्थित हैं। कुछ बोतलों में जो है शराब का कुछ अंश भी है,
और अंश भी इस तरह से है कि बच्चे अगर एक घूट मार ले, ऐसे अंदर में बहुत सारे बोतलें हैं शराब के, बहुत सारे अंदर अंदर में शराब की बोतलें हैं, अंदर झाड़ी में दिखाई देगा आपको, खुलेआम दिखाई देगा। और ये जो जगह है यहाँ पर जो है काफ़ी हमको भी यहाँ पर गंध आ रहा है। वही है, वही 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 जहाँ पे हाथ गया। हाँ, ये देखिए झाड़ियों में जो है खाली शराब की बोतलें हैं, और इसी जगह पर ये साबित करता है कि यहाँ पर जो है शराब की सप्लाई होती है, और शराब की सप्लाई होती है वो भी देसी नहीं, विदेशी शराब की सप्लाई होती है। यह मामला जो है सिकंदरपुर घाट गांधी पुस्तकालय, मैंने अपने कैमरे पर लगभग सैकड़ों शराब की खाली बोतलों को दिखाया है, और यह जो है साबित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है कि मुजफ्फरपुर में चाहे नीतीश कुमार जी कितना भी चाह लीजिए कि शराब बंद हो जाए, शराब बंद होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई इस खबर को दिखाता है तो उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन जो है उल्टा केस करने का प्रयास करती है कि वो दिखा क्यों रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि समाज को स्वच्छ बनाना है और सरकार को सहयोग करना है, प्रशासन को सहयोग करना है, तो उन्हें दिखाना है। ये कोई ऐसा एरिया नहीं है, क्योंकि बगल में भी एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी का कार्यालय है, और इस सामने जो है गांधी पुस्तकालय है। और जिस कैंपस की बात हम करते हैं, ये जो कैंपस है या दूरदर्शन केंद्र का कैंपस है, अब आप मुझे जरा बताइए कि इतना घनिष्ठ जो इलाका है, इस इलाके के अंदर शराब की सैकड़ों बोतल कहाँ से आई है। और हम कुछ कहना चाहते हैं कुछ लोग, ये जो बोतल शराब का है जो भी मैंने दिखाया है, जाहिर सी बात है कि इसी एरिया के लोगों का है जो लोग पीते करते हैं, इसी लोगों के एरिया का होगा, सही बात है। और यहाँ बिहार में शराब सप्लाई हो रहा है, भाई हो रहा है तब ना आ रहा है, तब ना आ रहा है, सही बात है। और क्या कहेंगे पुलिस विभाग के बारे में, पुलिस विभाग के बारे में क्या कहेंगे, निगरानी करेंगे तो इसमें आना बंद हो जाएगा ना। ये जो जगह है यहाँ पर जो है शराब लगभग सैकड़ों बोतल को मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि बोतलों में जो है ये जो शराब दिखाई दे रहा है, अगर ये छोटे छोटे बच्चे, ये अबोध बच्चे हैं, अगर इनके हाथ लग जाए, ऐसे बच्चों के हाथ लग जाए, तो ये बच्चे जो है इनको जानकारी नहीं है कि बोतल में क्या है, और पी लेंगे तो लुढ़क जाएंगे। बाबू सही बात है ना, सही बात है, लड़का भी कह रहा है कि पी लेंगे तो लुढ़क जाएंगे, इसमें शराब है। ये मैं दिखा रहा हूँ, और दिखा इसलिए रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला पुलिस कप्तान को यह खबर मालूम होनी चाहिए कि उनके एरिया क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध कहीं से भी नहीं है, जिसके कारण इतनी एरिया जो है, ये एरिया में सैकड़ों खाली बोतलों को हमने दिखाया है। डीएम साहब और एसएसपी महोदय यह भी कहेंगे कि पत्रकार वहाँ गया क्या था। तो आज गांधी पुस्तकालय में गांधी जी की पुण्यतिथि थी, और इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित थे, और जब हम यहाँ पेशाब करने आए तो मुझे तमाम बोतलें दिखाई दी, और मुझे लगा कि नहीं, जिला प्रशासन को दिखाना चाहिए, इसलिए मैं इस खबर को दिखा रहा हूँ। कि हमने जितने भी यहाँ पर लगभग जहाँ तक हमारी नज़र गई, तमाम शराब की बोतलों को इन बच्चों के सहयोग से एक जगह किया है, और ये देख लिया जाए मुजफ्फरपुर जिला के पुलिस कप्तान महोदय कि आपके एरिया में निधड़क यानी पुलिस का डर किसी को नहीं है। इसमें शराब भी है, अभी हम लोग के जाने के बाद हो सकता है कोई ना कोई पी ही जाएगा, लेकिन मजबूरी है कि आपको दिखाएं कि आपके यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी कितना सक्रिय है। और ये जो है करंट की बोतलें हैं, गिनेंगे तो 100 से ऊपर बोतल है। इन बच्चों के सहयोग से हमने सारे बोतल को एक जगह करवाया, कुछ बोतल अभी झाड़ियों में है जिसको हम निकलवा नहीं पाए हैं, और बच्चों ने तमाम चुन चुन कर ला कर रखा है। मेरा यह मकसद केवल है कि जिला पुलिस कप्तान तक इस खबर को पहुंचाए, और जिन लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को इतना ज़रूर शेयर करें कि मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक यह खबर पहुँच जाए, ताकि इस मालूम पड़े कि उत्तर बिहार की राजधानी कहने वाली मुजफ्फरपुर में
शराब की प्रतिबंध अभी भी नहीं है। क्या कहेंगे अभी जो दूरदर्शन केंद्र पर हमारी मीडिया के कैमरे पर सैकड़ों शराब की बोतलें जो मिली हैं, और वो भी एकदम गेट के नज़दीक मिला है, बगल में गांधी पुस्तकालय भी है, इस पर आप क्या कहेंगे बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर? लेकिन इससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। हाँ, ये मतलब शराबबंदी सक्सेस हुआ नहीं। अच्छा, चाहे नीतीश जी कितना भी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, हाँ, लेकिन जब तक वो जमीन लेवल पे काम नहीं करेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस नहीं होने वाला है। हाँ, सबसे पहले उनको तो अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। हाँ, जो कि उनका सिस्टम भी धीरे धीरे फेल होते जा रहा है। हाँ, इस कारण से शराबबंदी कानून सब दिखावा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्रशासन लोग बिके हुए हैं। शराब मतलब अदर स्टेट से बिहार में आ ही रहा है। हाँ, जब तक अदर स्टेट से बिहार में शराब आके से रहा है, पहले ये सोचने वाली बात है। हाँ, बताइए अगर वहाँ पे बॉर्डर पे अगर टाइट सिक्योरिटी लगाएंगे तभी तो बिहार में शराब नहीं आएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान जो है घटनाएं होने से पहले ही घटना स्थल पर उपस्थित रहते हैं और घटना को रोक लेते हैं, तो फिर इस शराबबंदी पर क्या उनका बात है? ऐसा घटना रुकता कहाँ है साहब? हाँ, ऐसा घटना कभी रुका है? आप बताइए, कभी भी होता है कि प्रशासन कहीं भी पहुंचती है, टाइम टू टाइम नहीं पहुंचती है। प्रशासन कहीं भी पहुंचती है, घटना के बाद ही पहुंचती है। घटना से पहले कहाँ कोई ऐसा घटना बताइए कि घटना को रोकने के लिए पहले ही प्रशासन पहुंच गया। कई जगह तो बैंक डकैती होने से पहले वो पहुंचा और इनकाउंटर की भी खबरें आई हैं। इस पे तो जांच बैठाना चाहिए। बिल्कुल, इस पे जांच बैठाना चाहिए। उनका जो है बहुत सख्ती से है मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान, के शराब उनके एरिया में नहीं बिकना चाहिए, फिर भी दिखाई दे रहा है। पता है मुजफ्फरपुर में आप तो यहाँ दूरदर्शन केंद्र पे देख रहे हैं ना, और भी एरिया में जाके देखिए, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे शराब ऐसे तस्करी हो रहे हैं ना शराब के। हाँ, जैसे उसका तो मानिए कि अभी होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब बताइए अगर होम डिलीवरी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे तो प्रशासन का हाथ है। हाँ, क्या? हाँ, इसके आप इसमें कहेंगे ना कि प्रशासन फेल है। हाँ, अगर प्रशासन फेल नहीं, मीडिया के कैमरे में कैसे आ जाता है प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है? प्रशासन के पास आग कहाँ है? हाँ, जैसे कि मान चलिए आप लोग देख रहे हैं, समझ आपको यहाँ बोतल दिख गया, क्या ये बोतल प्रशासन को नहीं दिख सकता था? अगर प्रशासन मेहनत करती खोती थी, बोतल जो आप यहाँ देख रहे हैं वो बोतल प्रशासन को भी दिखता, उससे पहले आपको दिखा ना, इससे पहले तो प्रशासन को नहीं दिखा। हाँ, अब तो शिक्षक को लगाया गया है दारू ढूंढने, पीने वाले को और बेचने वाले को। अब बताइए, अब नीतीश जी यही करेंगे ना, शिक्षक को लगा देंगे दारू ढूंढने में, तो बताइए बच्चा का फ्यूचर क्या रहेगा? अब बताइए प्रशासन का काम शिक्षा करेगा, तब का शिक्षा व्यवस्था में क्या करें, किसी और को बैठाएंगे पढ़ाने के लिए? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोनू पाठक हुआ जी, सामाजिक कार्यकर्ता जी। आप यहाँ के लोकल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।